कोरोना वायरस के कुल कंफर्म केस के मामले में भारत ब्राजील को भी पीछे छोड़ चुका है। कुल केस के आधार पर जिन देशों में कोविड-19 का सबसे ज़्यादा कहर है उसमें भारत से ऊपर अब सिर्फ अमेरिका ही बचा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। तब उससे निपटने के उपायों को सही तरीके से लागू किए बिना देश में चुनावी रैलियां से लेकर कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन तक में भारी भीड़ जुट रही है। आपको बताते चले कि अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि 11 अप्रैल को रात 11:30 बजे से 12 अप्रैल को शाम 5 बजे के बीच 18,160 से ज़्यादा श्रद्धालुओं के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 102 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन्होंने तबलीगी जमात के खिलाफ नफरत फैलाया था, मीडिया चैनलों में चिल्ला चिल्ला कर तबलीगी जमात के खिलाफ जहर उगल रहे थे, आज कुंभ में कोरोना मामले मिलने पर वो सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? स्कूल बंद है, तमाम बिजनेस के कामकाज बंद है, लेकिन गंगा स्नान हरिद्वार में आखिर बंद क्यों नहीं हो रहा, वो भी तब जब कोरोना के मामले मिल रहे हैं, लाखों की भीड़ जुट रही है। अगर कोरोना यहाँ से और भी ज़्यादा विकराल रूप लेकर पूरे देश में फैल जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? बहरहाल 13 अप्रैल की सुबह जारी हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 24 घंटे में कोविड-19 के 1,61,736 कन्फर्म केस सामने आए हैं, जबकि इसकी वजह से 869 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोविड-19 के कुल 12,64,698 एक्टिव केस मौजूद हैं इस समय। भारत में अब कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 13,68,94,53 तक पहुंच चुकी है। भारत में अब कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,36,89,453 तक पहुंच चुकी है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर सिर्फ अमेरिका है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 के 31,26,73,50 से ज़्यादा कन्फर्म केस आ चुके हैं। ऐसे में सरकार की नीतियों पर सवाल उठता है। एक तरफ जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां कर्फ्यू लगा दिया जाता है, मास्क नीचे आने पर चालान काट दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रैलियों पर रैलियां हो रही हैं। वहीं हरिद्वार में लगे कुंभ में गंगा स्नान हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ भी खूब धज्जियाँ उड़ रही हैं, कोरोना केसेस मिल रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों को लगता है कि कोरोना कुछ नहीं है और वो स्नान करेंगे जाके कुंभ में, उन्हें कुछ नहीं होगा। नेता रैलियाँ करेंगे बंगाल में जाके, उनको भी कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा वो सोच रहे हैं तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितनी भी बकवास आप कर लीजिए, कोरोना है कि कोरोना नहीं है, जिस दिन आपके घर में किसी बुजुर्ग को कोरोना हुआ या आपके माँ बाप बेटा बेटी को कोरोना हो जाएगा, उस दिन एक मिनट में कोरोना समझ में आ जाएगा, दूसरे मिनट में भक्ति उतर जाएगी, तीसरे मिनट में अस्पताल और टेस्टिंग की स्थिति समझ में आ जाएगी, चौथे मिनट में कुंभ और चुनाव में मूर्ख बनाकर खड़ी भीड़ नज़र आएगी, पाँचवें मिनट में समझ में आ जाएगा कि आपको नेता ने हिंदू मुसलमान के नाम पर बस बेवकूफ़ बनाया है। और सबसे बड़ी बात, वैक्सीन की कहानी का असली रूप आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ। वैक्सीन ना होने के चलते उड़ीसा में 900 वैक्सीन केंद्रों पर ताला लग गया है। टीका उत्सव के बाकी 2 दिनों के लिए टीके भी नहीं बचे हैं। पर इन गंभीर समस्याओं के इतर सरकार का ध्यान बस चुनाव प्रचार पर है। ऐसे में आपकी रक्षा खुद आपको ही करनी होगी, क्योंकि स्थिति काफ़ी दयनीय है। जितना हो सके सावधानी बरतिए, भीड़ वाले इलाके से बचिए, क्योंकि ताली थाली बजा के आपने देख चुका है कोरोना ताली थाली रैली किसी को भी नहीं छोड़ता। कोरोना के चपेट में एक बार आए तो हालत ख़राब हो जाएगा और आपके पूरे परिवार को ये दुख झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।
ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।